श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण के कुछ उपाय कि अगर आप धन लाभ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या फिर आप रोग से मुक्ति चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण पर करने के कुछ उपाय बताने जा रहा हूं आपको। तंत्र शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। इन उपायों से धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन व रोगों से मुक्ति भी संभव है। जैसे अगर आपको धन लाभ चाहिए तो ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कीजिए, नीले या सफेद कपड़े पहन लीजिए। ग्रहण शुरू होते ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके नीले आसन पर बैठ जाएं। सामने लकड़ी का एक बाजोट रखें, बाजोट मतलब एक पटिया रखें, पीड़ा जिसको कहते हैं, उस पर एक थाली रखें। थाली में कुमकुम या केसर से रंगे हुए चावल की ढेर लगाएं तथा कुमकुम से श्री के ऊपर बिंदी। इन चावलों की ढेरी पर महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें और पास ही चार गोमती चक्र रखते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और रुद्राक्ष माला से आप कम से कम 7 माला जाप कीजिए। मंत्र जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, मंत्र है ओम पंच तत्वाय पूर्ण कार्य सिद्धि देही देही सदा शिवाय नमः। मैं जितने मंत्र है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं हो। मंत्र जब आप समाप्त होने के बाद माता लक्ष्मी से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद इस पूरी पूजन सामग्री को कपड़े की पोटली में समेट लीजिए और किसी नदी या तालाब में जाकर विसर्जित कर दीजिए। फिर अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ग्रहण शुरू होने से पहले नहाकर साफ कपड़े पहन लें। ग्रहण शुरू होते ही कुश का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर सामने शिवलिंग स्थापित करके रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हुम कार सिद्धे क्लिम हौम। ओम हुम कार सिद्धे क्लिम हौम। ग्रहण समाप्त होने के बाद शिवलिंग की पूजा करें और दूसरे दिन शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए या शिव मंदिर में अर्पित कर दीजिए। इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपको किस्मत चमकाना है तो ग्रहण काल से पहले नहाकर साफ कपड़े पहन लीजिए। ग्रहण प्रारंभ होते ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन या कुश के आसन पर बैठें। सामने एक बाजोट रखें, मतलब पीड़ा रखें, उसके ऊपर एक थाली रखकर उसमें एक अष्टदल बनाएं। इसके ऊपर श्रीयंत्र निर्मित अंगूठी रखें। अब तेल का दीपक जलाकर आप मंत्र का 3 माला जाप कीजिए। मंत्र है ओम कमल वासिन्य श्रीम श्रीम ह्रीम नमः। ओम कमल वासिन्य श्रीम श्री ह्रीम नमः। इसके बाद दीपक को दूसरे कमरे में ले जाकर रख दीजिए और ग्रहण समाप्ति के पहले अंगूठी पहन लीजिए। अगले दिन दीपक को बरगद के पेड़ के नीचे रखें। इस उपाय से आपका भाग्य 100% चमक जाएगा। अगर आप बीमार हैं या आपका कोई रिश्तेदार बीमार है और रोग से आपको छुटकारा चाहिए तो उसके लिए ग्रहण काल से पहले नहाकर सफेद कपड़े पहने। अब सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने सामने एक थाली को बाजोट पर रखकर उसमें कुमकुम से ओम बनाए और सुर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद धूप दीप से पूजा करें और कुमकुम और चावल चढ़ाएं। इसके बाद पंचामृत से पूरे ग्रहण काल तक यंत्र पर निरंतर अभिषेक करते रहें और मंत्र पढ़ते रहें। मंत्र थोड़ा सा लंबा है और टफ है, प्रोनाउंसिएशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा जो मैं लिख दूंगा। मंत्र है ओम हौम जुम सम ओम भुवस्वः ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारु कमी बंधनान्यो मृत्यु मुच्छे मामृतात् ओम स्व भूम भूम ओम सह जूम हौम ओम। ग्रहण के बाद यंत्र पर चढ़ा पंचामृत योगी को चम्मच से पिलाइए। कुछ ही समय में रोगी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।